हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको ले चल रहे हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कि है आदराई जंगल। तो मैं अभी आपको पुणे से लेके जाऊंगी आदराई जंगल, और इसमें क्या कॉस्ट आएगा, कैसे यहाँ तक पहुँचना है, किसके साथ पहुँचना है, और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तब भी आप यहाँ जा सकते हो, ये सब मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगी। तो हमारे साथ बने रहें और एंड तक इस वीडियो को एंजॉय करें। तो मैंने अपना सफ़र ट्रैक पांडा के साथ स्टार्ट किया था। ट्रैक पांडा एक महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा ट्रैवल ग्रुप माना जाता है। आप अपनी बुकिंग इनके साथ एक दिन पहले तक कर सकते हो। तो सुबह के हुए हैं 4:45 और हमने पूना छोड़ दिया है। ट्रैक पांडा की सर्विस बहुत ही अच्छी रही, मेरा ये उनके साथ पहला जर्नी था। तो ट्रैक पांडा के साथ ये मेरा पहला जर्नी था एंड इट वाज अमेजिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम से लेके टाइमली फूड प्रोवाइडिंग और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है इनके पास। तो बाहर के सीन से आपको पता चल गया होगा कि हमारा सफ़र कितना अच्छा होने वाला है। रास्ते भर अभी आपको एक से एक व्यूज़ मिलने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। टाइमली ट्रैक पांडा की ओर से हमें एक ब्रेकफास्ट बॉक्स मिला। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोवाइडेड 1 ORS, 1 फ्रूट एंड अ माजा ड्रिंक। इसके बाद हमारा सफ़र फिर से शुरू हुआ एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट वॉज ब्यूटिफुल। बहुत ही सुंदर व्यू दिखने मिल रहे थे पूरे रास्ते में। इसके अलावा हमने बस पे ही ट्रैक पांडा के साथ खूब इंजॉय किया, डांस से लेके गाना, म्यूज़िक, एवरीथिंग। इस पूरे ट्रिप की कॉस्टिंग मुझे 1350 पड़ी, मतलब 1350 पर पर्सन। इट इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट एंड लंच। इसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ भी पे नहीं करना है। एंड द बेस्ट पार्ट आई फाउंड इज कि आप यहाँ इनके साथ आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, इवन फॉर फीमेल। आई बिलीव कि इट्स सेफ। ट्रैक पांडा एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिस्टमेटिक ग्रुप दिखी मुझे। तो आई होप कि आप बहुत मज़े ले रहे हो इस सुंदर सुंदर व्यूज़ के। इट वॉज सच मे फ्रेंड्स, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग, इट इज़ ब्यूटिफुल। तो थोड़ा आप व्यूज का मजा लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आगे। और अब हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगी। ट्रैक ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर अप एंड डाउन है। एज अ बिगनर आप ये ट्रैक बहुत ईजिली कर सकते हो, बस मौसम अच्छे होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक विथ ट्रैक पांडा। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें सामान क्या रखना होगा। अपने पास एक बैग ज़रूर रखें, एक बैकपैक इज़ वेरी कन्वीनियंट। उसमें आप पानी का बॉटल ज़रूर रखें, ऑलमोस्ट 2 liters ऑफ वाटर इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ योर क्लोथ्स, आप अपना एक पेयर क्लोथ्स एक्स्ट्रा ज़रूर रखें अपने साथ साथ। रास्ते में आपको स्मॉल वाटर बॉडीज दिखेंगे, तो डू नॉट ओपन योर शूज़। आपको जूते ऐसे पहनने होंगे जो आप पानी में भी ले जाओ। नेक्स्ट इज़ योर कैप एंड योर गॉगल्स। देखने में भले फैशनेबल लगता हो, बट ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़े से भी धूप में हो तो यू विल नीड द कैप एंड द गॉगल्स। गाइस, रेनकोट या पोंचो लेना मत भूलना, कभी भी बारिश हो सकती है एंड यू कैन गेट वेट। तो उसको अवॉइड करने के लिए डोंट फॉरगेट टू कैरी योर पोंचो और योर रेनकोट। वाओ, व्हाट अ व्यू! ये बॉलीवुड वाली फीलिंग नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो बने रहें। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन रेगुलर लेते हैं तो उसे भी लेना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव कर रहे हैं आदराई जंगल के बीचों बीच। तो लेट्स द ट्रैक बिगिन।
एज दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रैक, थक तो गई थी मैं, बट आफ्टर दिस व्यूज ओ माई गॉड इट वॉज वर्थ इट. तो गाइज ये हमारा पहला स्टॉपेज था जहाँ पे हम लोग ग्रुप के व्यूज़ का मज़ा और सेल्फीज़ लेना नहीं भूल रहे थे. तो आप भी अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ फ़ोटोज़ लेना ना भूलें. अब इस अमेजिंग व्यू पॉइंट के बाद अब हम जंगल स्टार्ट कर रहे हैं. जंगल काफ़ी बड़ा है बट आपके साथ एक गाइड आप रहेगा जो कि वहाँ का लोकल रेजिडेंस है, तो नो वरीज. घने जंगलों को पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं एक वाटरफॉल के पास. ये छोटा सा वाटरफॉल है और यही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है. यहाँ भी आप रुक के मौसम का, व्यू का और वाटरफॉल का मज़ा ले सकते हो. अब वाटरफॉल के बाद एक और भी बहुत ही अमेजिंग व्यू बाकी है, तो चलिए देखते हैं. तो गाइस ये है महाराष्ट्र का एक हिडन ट्रेजर जिसका नाम है कल्लू वाटरफॉल. दिस इज़ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन मलसेज घाट. बहुत ही सुंदर व्यू है बट इसका मज़ा आप दूर से ही उठा सकते हो. ऑसम मौसम और शांति के साथ यहाँ पे आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मज़े ले सकते हैं, तो है ना अमेजिंग. तो चलिए अब चलते हैं हम वापस. एंड आफ्टर ट्रैक लंच का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो चलिए अब इसी के साथ हम लौटते हैं वापस अपने घर. और मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ. तो रात हो चुकी है और अब हम पुणे एंटर कर गए हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, गुड नाइट. वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड लाइक करना ना भूलें.